टीवी पे या किसी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे दुरानी साहब को देखते हैं तो बड़ा पॉजिटिव सा एक इम्पैक्ट आता है। आप केटू सर करते हो तो आप कहते हो कि मैं वो शख्स हूँ इस वक्त मैं दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर मौजूद हूँ। सर फिजिकली इसमें अपने आप को डिवोट करना पड़ता है या पढ़ना भी पड़ता है हिस्ट्री को, मिनरल्स को, अक्साम को, मट्टी को? केव एक्सप्लोरेशन की जो तरबियत है वो मैंने बरतानिया से हासिल की है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अलावा सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि ये सस्ता शौक नहीं है, ये वो वाहिद सेक्रेटरी है। अभी मैं कोरिया जा रहा था, वहाँ पे हमारी कैनोइंग कॉन्फ्रेंस थी, इसने कहा मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आपके टिकट वगैरह सारे। ये पहली बार हुआ? ये मेरी जिंदगी में पहला दफा हुआ है। बलूचिस्तान में सिर्फ लोग उस हवाले से पहाड़ों पे नहीं जाते हुकूक के लिए, एक्सप्लोर करने भी जाते हैं। 146 केव्स हमने एक्सप्लोर किए हैं, खुसूसन आई एम द ओनली वन केव एक्सप्लोरर इन पाकिस्तान। स्लीपिंग ब्यूटी का जो कैनवास आता है अक्सर लोग जिक्र करते हैं वीडियोस में, कि पहाड़ की एक उसकी छवि ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कोई खातून सो रही है। जब आप क्वेटा से हना झील की तरफ जाते हो यास्मीन खारिज की तरफ तो ये नजर आता है, तो अंग्रेजों ने एक नाम दे दिया कि स्लीपिंग ब्यूटी, बस ये मशहूर होगी। तो आप समझते हैं कि जितना 40 साल आपने काम किया, पाकिस्तान भर से और दुनिया भर से यहाँ लोग आने चाहिए थे, टूरिस्ट आने चाहिए थे, तो टूरिज्म के हवाले से भी कुछ काम हुआ? अब ये लोग मुर्दार पहाड़ पे जाए, यहाँ पे क्या फैसिलिटी है?